हेलो मित्रों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी कसिन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी साबूदाना वड़ा की रेसिपी, जिसे व्रत में खा सकते हैं और उसके साथ हरी चटनी भी बनाएंगे, जिसे भी आप व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्री चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मिक्सर जार में एक कप जितना धनिया डालेंगे, एक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच सैदा नमक, आधा चम्मच अदरक की पेस्ट, एक बड़ा चम्मच दही और दो चम्मच जितना पानी डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो व्रत में खा सके ऐसी हरी चटनी तैयार है। अब एक बड़े बर्तन में एक कप साबूदाना डालेंगे, जिसे मैंने 5 घंटे पहले से भिगो के रखा था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। 3-4 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। आधा चम्मच अदरक की पेस्ट डालेंगे। आधा कप मूंगफली को दर दरा क्रश करके डालेंगे। ढेर सारा धनिया डालेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सैदा नमक डालेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके ग्रेट करके डालेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सर डो फॉर्म में बनके तैयार हो चुका है। दोनों हाथों पे अच्छे से तेल लगा लेंगे। डो में से थोड़ा पोषण लेकर उसे गोल करके चपटा कर लेंगे और वड़े का शेप दे देंगे। सारे वड़े इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम बड़ों को मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। और ये हमारे क्रिस्पी और टेस्टी साबूदाना के वड़े तैयार हो गए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।